कि आप होम लोन 9% पे लो या 9.25% पे लो, कितना ही फर्क पड़ जाएगा। तो सपोजली आपने किसी बैंक से 70 लाख का होम लोन लिया है और अगर आपका इंटरेस्ट रेट सिर्फ 0.20% से भी बढ़ता है तो आपको जो बैंक को अमाउंट पे करना है उसमें 5 लाख का फर्क आएगा। यस, सोचो 0.20% आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा, उसमें 5 लाख का फर्क। दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू गेट अ गुड इंटरेस्ट रेट फॉर योर होम लोन। होता क्या है ना यार, जब किसी बैंक से होम लोन लेते हो तो आप उस बैंक के साथ 20 से 30 साल के लिए बन जाते हो। सो इट गेट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसी बैंक से लोन लो जो कम से कम चेंजेस करे और जिसमें अदर फैक्टर्स लाइक कस्टमर सर्विस, बाकी जो फीस होती है वो सब भी ठीक रहे। बट देर आर सो मेनी ऑप्शंस राइट नाउ, देर आर सो मेनी बैंक, बेस्ट वाला कैसे पता चलेगा अपने लिए यार, इसके लिए हम बैठे। हमने इस वीडियो में 10 ऑप्शंस को कंपेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा। एंड वी नो कि सबसे पहले आपको जानना है कि इंटरेस्ट रेट किसका कितना है, सो सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। यार जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपको होम लोन फिक्स रेट पे चाहिए तो बैंक्स यूजुअली काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। फिक्स रेट का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता, एटलीस्ट बैंक्स तो यही बोलते हैं। बट लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, ये बिल्कुल सच नहीं है। बैंक्स 2 साल बाद इंटरेस्ट रेट अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एंड वो ये बात लोन अग्रीमेंट में लिखते भी हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि हम पढ़ते नहीं है। एनीहाउ, अगर आप फ्लोटिंग रेट देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट 8.50% से 11-12% की रेंज में मिल जाएगा। अगर आप क्रेडिट स्कोर 800 के ऊपर है आपका तो आपको 8.5% के आसपास मिल जाएगा, और अगर 650 से कम है तो आपको 12% के आसपास। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, बोथ HDFC एंड LIC आर ऑफरिंग द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट फॉलोड बाय टाटा कैपिटल। चलो मैं आपको एक और रास्ते पर बताती हूँ। अगर होम लोन लेते टाइम आपको पहले बैंक से 8.50 का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, दूसरा बैंक आपको 8.80% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं और आपको दूसरे बैंक से ही होम लोन लेना है, तो आप पहले बैंक का ऑफर दूसरे बैंक को दिखा सकते हैं। 90% ऑफ द केसेस में दूसरा बैंक 8.50% में आपको होम लोन देने के लिए अग्री कर जाएगा। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड नॉट शॉप अराउंड टू मच, बिकॉज होम लोन लेते टाइम बैंक आपकी हार्ड इंक्वायरी करता है। हार्ड इंक्वायरी करते टाइम आपका जो सिबिल स्कोर है वो टेम्पररीली कम हो जाता है। सो अगर आप श्योर हो कि आपके टॉप 3-4 ऑप्शंस कौन से हैं, तो आप कोशिश करना कि आप 3-4 बैंक से ज्यादा एक टाइम पे नेगोशिएट ना करें। हमने इंटरेस्ट रेट तो डिस्कस कर लिया, लेकिन सारे जो बैंक्स होते हैं उनका ना प्रोसेसिंग फीस भी अलग अलग होती है, सो एक बार उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे भी अगर हम मोटा मोटा देखें तो HDFC एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस ही सबसे कम प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहे हैं, फॉलोड बाय टाटा कैपिटल एंड IDBI। जैसे आप लोन का इंटरेस्ट रेट बैंक से नेगोशिएट करते हो, वैसे आप प्रोसेसिंग फीस को भी नेगोशिएट कर सकते हो। वी हैव सीन मल्टीपल केसेस वेयर द प्रोसेसिंग फीस इज लिटरली जीरो, सो प्लीज नेगोशिएट वाइजली। अब हमने बात कर ली इंटरेस्ट रेट की, प्रोसेसिंग फीस की, अब ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा बैंक आपको मैक्सिमम कितने अमाउंट का लोन देता है और मैक्सिमम टेन्योर उसका क्या है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट आल्सो। कुछ बैंक्स लाइक इंडियन ओवरसीज एंड PNB हाउसिंग फाइनेंस ने ये डेटा अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज यू कैन सी, यू कैन गेट अ होम लोन अप टू 4-5 CR वेरी इजिली, एंड जनरली आपको 25-30 साल का होम लोन आराम से मिल जाता है। यार ये भी देखना जरूरी है कि बैंक्स को आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एट द टाइम ऑफ होम लोन। अब देखो इसकी लिस्ट वैसे तो बहुत लंबी है, बट आपको एक ब्रीफ में जरूर दे सकती हूँ। सबसे पहले तो आपसे यूजुअल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड एटसेट्रा। सेकंड, वो आपसे मांगते हैं आपकी इनकम प्रूफ लाइक सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 एटसेट्रा। एंड थर्ड, वो आपसे मांगते हैं घर के डॉक्यूमेंट्स लाइक सेल डीड, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, पोजेशन लेटर एटसेट्रा। ऑलमोस्ट सारे बैंक्स आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, सबका ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट द फर्क इज कि कौन सा बैंक ये लीगल वेरिफिकेशन के लिए पैसे चार्ज करता है और कौन सा बैंक इसको प्रोसेसिंग फीस में इंक्लूड कर लेता है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। अदर चार्जेस के साथ साथ हमने प्रोसेसिंग फीस भी दिखा दी है ताकि कंप्लीट पिक्चर आपको मिल जाए। अब यार इसमें ब्रॉडली यही समझ आ रहा है कि जो बैंक लीगल चार्जेस नहीं चार्ज करते हैं लाइक एक्सिस, HSBC, फेडरल बैंक, वो प्रोसेसिंग फीस काफी हाई अपनी रखते हैं। HSBC के केस में तो कुछ अलग ही चल रहा है। These guys are charging an annual fees of 1% and commitment fees of 1%. ये तो हमने किसी और बैंक में अभी तक नहीं देखा। जिनकी प्रोसेसिंग फीस कम थी लाइक HDFC, LIC, हाउसिंग फाइनेंस एंड टाटा कैपिटल, वो कंपनीज फिर अलग से लीगल चार्जेस लगा रही हैं। बट इसमें HDFC एंड टाटा कैपिटल की फीस नेगोशिएबल है। हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पे 1500 में पूरा लोन सैंक्शन हो गया है। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग पावर टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट डील आउट ऑफ दीज बैंक्स। IDBI, PNB हाउसिंग एंड इंडियन ओवरसीज की तो प्रोसेसिंग फीस भी ज्यादा थी और अदर चार्जेस भी काफी हाई दिखा रहे हैं। SBI ने तो प्रोसेसिंग फीस की काफी ब्रॉड रेंज दी है एंड उसके अदर चार्जेस भी काफी हद तक नेगोशिएबल है। देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपको यहां से भी अच्छी डील मिल सकती है। तो ये सब कर करा के हमारे पास 5 ऑप्शंस बचते हैं बैंक्स के। LIC हाउसिंग फाइनेंस, टाटा कैपिटल,
HDFC, SBI and Federal Bank. This is where our research will stop and your role will come in. अगर आपको इन पांच banks में से home loan चाहिए तो आपको ये तीन steps follow करने पड़ेंगे. First is, सबसे पहले तो आप एक अच्छा सा offer letter लाइए किसी bank से, इनमें से किसी bank से. Try to negotiate as much as possible, not just with the interest charges, but also other charges like prepayment, legal charges को reduce करवाइए. जो जो आप कर सकते हो उसको अच्छे से करवाइए. अगर आपको ज्यादा से ज्यादा tenure मिल रहा है किसी bank से तो आप उसको ले लीजिए, because बाद में आप उस tenure को कम करवा सकते हो लेकिन आप बढ़वा नहीं सकते. Second step, इस offer के साथ आप देखो बाकी के जो banks हैं आपको कौन से additional feature को offer कर रहे हैं. For example, SBI आपको flexi pay का option offer करता है जिसमें आपके होम लोन के साथ साथ आपको ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी खुल जाता है, विच इज लाइक अ क्रेडिट लाइन. इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल जाती है. मान लीजिए किसी महीने आपके पास 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए तो आप उस पैसे को ओवरड्राफ्ट अकाउंट में डाल सकते हो. उतना ही अमाउंट आपके लोन अमाउंट से कम हो जाएगा विदाउट एनी पेनल्टी व्हाटसोएवर. थर्ड एंड द लास्ट स्टेप, विच इज द इजिएस्ट एंड द टफेस्ट, अपने जो लोन अग्रीमेंट है उसको प्लीज अच्छे से पढ़िए. I know, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इधर उधर सब कुछ ऐसे दिमाग में घूम जाता है, बट यार अपना ही लोन अग्रीमेंट है, थोड़ा ढंग से पढ़ लो, थोड़ी मेहनत कर लो. कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको नहीं समझ आते, अगर आपके पास कोई ऐसा लोन अग्रीमेंट है एंड इफ यू आर स्टक, सो प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए, हमसे पूछिए, विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल. वी हैव गॉन थ्रू ओवर 100 सच अग्रीमेंट्स एंड वी नो ऑलमोस्ट ऑल द टर्म्स इनसाइड आउट, सो लेट्स सी इफ वी कैन बी एनी हेल्प टू यू. So these were our two cents on home loans. अगर आपका कोई friend या family member घर खरीदने की सोच रहा है, so आप ये videos को forward कर सकते हैं. That will be a help to them for sure. Till then, be kifayati.